हेलो एवरीवन, देखिए आज भी हमारी लाइव क्लास नहीं चल पाई है। कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, और जैसे ही ये इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे हम आपकी लाइव क्लास ज़रूर रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए आज हम पढ़ेंगे मिसिलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। तो आप लोग देखिए इसका क्वेश्चन नंबर मेरे पास फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट इन्होंने दिया है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ आपके पास है माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर आपके पास है माइनस में एक्स वन और कॉस थीटा, फिर आपके पास है यहाँ पर वन और एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको ये प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है क्या है, स्वतंत्र है, यानी जिसका ऐसा प्रूफ कीजिए कि इसके अंदर थीटा नहीं आए। तो देखिए यहाँ पर जो हमें डिटर्मिनेंट दिया है इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कॉस थीटा, फिर माइनस में साइन थीटा, माइनस में एक्स और वन, फिर आपके पास है कॉस थीटा, वन और एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ओनली हमें इसकी एक्सपेंडिंग करना है। तो आप इसकी क्या कर दीजिए, ऑन एक्सपेंडिंग, ठीक है भाई, इसकी आप एक्सपेंडिंग कर दीजिए, यानी इसको बोलते हैं प्रसार करने पर, ओके। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम प्रसार कर रहे हैं इस R1 के रिस्पेक्ट में, ओनली R1 के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। वैसे तो हम R2 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं ना, R3 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम ओनली R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, और इसके लिए आता है प्लस। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर इस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस जहाँ पर x है उसकी सामने वाली रो और उसके सामने वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो माइनस x बच रहा है हमारे पास, ठीक है, वन बच रहा है और ये x बच रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस का, और इसके रिस्पेक्ट में यदि हम करते हैं तो इसको और इसको हाइड कर लेंगे हम, तो हमारे पास ये बचेगा माइनस का साइन थीटा बचेगा, ओके, उसके बाद कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पर वन और यहाँ पर एक्स बचेगा। इसी तरीके से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे जो कि यहाँ पर ये क्या है, कॉस थीटा है। तो देखिए जहाँ पर कॉस है तो ये छुपा लीजिए, ये हाइड कर लीजिए, वेरी वेरी सिंपल है। माइनस साइन थीटा बच रहा है, ठीक है, उसके नीचे कॉस थीटा है, उसके बाद यहाँ पर माइनस में एक्स है और यहाँ पर वन है, ओके। तो अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि आप लोगों को पता है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पर माइनस का एक से स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसके बाद वन बन जा, वन माइनस का वन आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर है माइनस साइन थीटा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, माइनस साइन थीटा का एक्स में होगा तो माइनस का एक्स साइन थीटा आ जाएगा, ओके, उसके बाद कॉस थीटा का वन में होगा तो माइनस आता है और ये कॉस थीटा। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस आएगा, इसको मैं आगे ही लिख रहा हूँ, ये प्लस कॉस थीटा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वन का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा, माइनस का साइन थीटा आएगा। फिर इसका इधर करेंगे तो देखिए माइनस का एक्स में होगा तो माइनस का एक्स कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है ना, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या आता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई
एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर एक्स का वन में होगा माइनस का एक्स आ जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन का साइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा का कॉस थीटा में होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा का इसमें होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, फिर प्लस का प्लस में होगा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, ये इसके साथ ही चल रहा है पूरा बोर्ड पर, उधर आगे नहीं लिख सकता मैं, आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर लिखा है एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब जब ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ क्या बच रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर और थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास माइनस का एक्स बचा, यहाँ दोनों जगह से मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है तो मैं एक्स कॉमन ले लूँगा, सिंपल है, ये एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास बच रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बहुत ध्यान बहुत एक एक बच्चे को पता है, बहुत आम फॉर्मूला है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन होता है। तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स और प्लस, ऑनली यहाँ पर बचा एक्स क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में वन है, वन का एक्स में होगा एक्स ही आएगा, ये इससे कैंसिल और यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था कि ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब आया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा यानी थीटा से स्वतंत्र है। तो हम कह देंगे हैंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप इसको ध्यान से। विदाउट एक्सपेंडिंग के इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसका LHS ले लें और LHS में हमारे पास ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, BC CA और AB है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसके अंदर हमें राइट हैंड साइड से कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जहाँ पर मेरे पास यहाँ ए स्क्वायर लाना है और यहाँ पर ए क्यूब लाना है, तो यहाँ पर मेरे पास ए है तो इसको ए स्क्वायर बना सकता हूँ, साथ में ए स्क्वायर है तो इसको ए क्यूब बनाना है। मतलब इससे पता लगता है कि इसके अंदर ए का मल्टीप्लाई करना चाहिए और ए का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, R1 में। तो हम R1 में क्या लिख देंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, और R2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी क्यूब है, यानी कि यहाँ पर एक और बी आएगा और यहाँ भी एक और बी आएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा BR2। इसी तरीके से R3 है तो यहाँ पर हो जाएगा CR3। ओके, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा और ये ए बी सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सब जगह क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ ए क्यूब हो गया और यहाँ पर ए बी सी हो गया। इसी तरीके से R2, ये जो मेरे पास R2 है इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं बी का, तो जब b का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर b की कमी थी तो हो गया कितना ए बी सी हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ जो c है तो यहाँ पर आप c का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी क्यूब और ये हो जाएगा ए बी और सी। ओके,
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने मल्टीप्लाई भी किया है तो हम डिवाइड भी लगा दें, ठीक है। सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड लगा दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं टेकिंग कुछ कॉमन आ रहा है, टेकिंग आउट, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास आ रहा है ए बी सी फ्रॉम C3, ओके ना। यहाँ पर ये मेरे पास ऐसे में चलता है कॉलम, ठीक है, ऐसे में चलता है कॉलम और ऐसे में चलती है रो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस C3 से पूरे से हम कॉमन लेंगे इस ABC को, ABC को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ABC कॉमन ले लिया और डिवाइड में ऑलरेडी ABC लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पर तो वही रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, यहाँ 1 1 1 1 है। अब देखिएगा ये तो इससे उड़ा दो, अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से कि मुझे यहाँ पर इस 1 1 वाले कॉलम को यहाँ लेके आना है और इस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को इधर लेके आना है, C3 में लेके आना है। आप देख सकते हैं इसको देखकर मुझे बनाना है, ओनली कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको देखकर बनाना है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा आपके पास क्या करना चाहिए, ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यानी कि मैं ऐसा इसको लिख दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा मैं C2 को किससे, C3 से हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास देखिएगा आप बहुत ध्यान से, यहाँ पर ये तो वैसा का वैसी रहेगा, इससे कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये 1 1 और इसको इधर लिख दीजिए, जो C2 वाला था उसको C3 में लिख दिया, तो ए क्यूब ये C2 इंटरचेंज C3, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा है, इस C2 कॉलम को उधर लिख दिया है और उधर वाले को इधर लिख दिया है। अब मैंने देखा कि यार ये यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 1, ये तो C1 में है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओहो, एक बात और ध्यान रखिए, जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या लगता है, माइनस लगता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब किसी एक रो को रो से इंटरचेंज किया जाएगा तो बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। अब मैं वापस इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, C1 से इंटरचेंज करूँगा C2 को, तो भाई देखो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इधर उठा के पटक दिया मैंने और ये पूरे को मैंने इधर पटक दिया, तो ये ए क्यूब ये बी क्यूब और ये सी क्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, फिर मैंने इंटरचेंज कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है आंसर राइट हैंड साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसके अंदर है इवेल्युएट, आपको यहाँ पर इसका मान पता करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए, आपको केवल और केवल इवेल्युएट यानी मान ज्ञात करना है इसका, यह आपको दिया है डेल्टा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसकी डायरेक्टली मैं एक्सपेंडिंग कर दूँगा। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए, तो हम डायरेक्टली इसकी क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग कर देंगे। तो ऑन एक्सपेंडिंग, ठीक है भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके रिस्पेक्ट में, तो भाई मैं R1 के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस माइनस और प्लस आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा के रिस्पेक्ट में करें तो ये जो कॉलम है C1 हाइड हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाला कॉलम भी हाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस बीटा 0, कॉस अल्फा साइन बीटा बचेगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, इसी तरीके से मेरे पास ये हैं, तो इसके लिए आता है माइनस। मैं आपको पहले कितनी बार बता चुका हूँ कि जब हम यहाँ पर सेकंड वाले इसके लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हाइड करिए, तो इसको हाइड करना है, इसको हाइड करना है, तो ये बचेगा 0 बचेगा, यानी कि माइनस का साइन बीटा 0, फिर साइन अल्फा बच रहा है, ठीक है, कॉस बीटा भी उसके साथ है, फिर यहाँ पर हमारे साथ कौन है भाई, यहाँ पर
ज़ीरो बच रहा है, उसके नीचे क्या है कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है तो हाइड हो गया है ना, तो हमारे पास ये और यही बचेगा यहाँ पर। इसी तरीके से इसके लिए यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये और ये हाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का, क्या बचेगा भाई, माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, फिर है साइन अल्फ़ा, ठीक है ना भाई, साइन अल्फ़ा के बाद कॉस बीटा, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा यहाँ पर बच रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर ओनली आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। ये देखिए कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा तो वैसा ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो में होगा, ज़ीरो का इसमें होगा तो भाई क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और जब इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन बीटा और ये कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें करेंगे तो क्या आया, ज़ीरो, ठीक है भाई। अगला यहाँ पर देखिए, माइनस में साइन अल्फ़ा है, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो साइन का साइन बीटा में होगा तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साथ में माइनस भी लगा हुआ है तो साइन अल्फ़ा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन साइन बीटा और साइन बीटा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, फिर आता है माइनस, फिर इसी तरीके से साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का मल्टीप्लाई कॉस बीटा में होगा तो कॉस बीटा से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर आता है माइनस और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा इसका हमें ओनली मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा तो ये देगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए कॉस अल्फ़ा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साथ में साइन स्क्वायर बीटा, इधर आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा का इसमें होगा, देखिए ज़रा ध्यान से, माइनस माइनस कितने हो गए, ये प्लस हो गए, साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में होगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर बीटा वैसा ही रहेगा। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का इसमें होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बी, यहाँ दोनों जगह से आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को आप कॉमन ले सकते हैं, ये और ये, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, मुझे क्या है सेम एंगल वालों को देखना है ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा। भाई आपको समझ में आ रहा होगा ना, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर हमने कॉमन लिया है ना, बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। अब आपको यहाँ पर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे वन, और इसकी जगह पे भी हम क्या लिख देंगे वन, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये हो गई वन, फिर प्लस साइन स्क्वायर, देखिएगा ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसकी वैल्यू हो गई वन, तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसकी वैल्यू भी वन, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, चलिए अगर अच्छी लगती है ना वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है मिसेलिनियस एक्सरसाइज का, इसके अंदर आपको जो दिया है डेल्टा इज इक्वल टू पूरा डिटर्मिनेंट दिया है, और ये पूरा डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। फिर आगे लिखा है ए बी सी आर रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, शो दैट आइदर, तो आपको या तो ये सिद्ध करना है या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो आप देखिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को आप उठा लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है,
ओनली आपको यहीं पर ध्यान रखना है सी प्लस ए प्लस बी, फिर सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, फिर यहाँ पर है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से, मेरे जो आपके पास प्रूफ करना है उस पे जाइए। मेरे पास यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब पूरे डिटर्मिनेंट से ए प्लस बी प्लस सी मुझे यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, आप या तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दीजिए, जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे उनको बता दूँ कि ये R1 है, ये R1 है। अगर हम AC में देखेंगे तो सब R1 है, AC में देखेंगे तो सब C1 है, तो आप AC में देखिए तो सब के सब आपको R1 नज़र आएंगे क्योंकि R1 में है। ये R2, ये R2, ये R2, ये R3, ये R3 और ये R3। अगर मैं यहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, मैंने मेरे मतलब से लगाया, देखो है ना, ऐसे ही नहीं लगाए, क्योंकि देखो इसको ए को ए में जोड़ेंगे, मैं सबको प्लस कर रहा हूँ ऐसे, तो ए को ए में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बी को बी में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, इसी तरीके से सी को सी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 2 कॉमन आ रहा है, सब जगह 2 लगाने से अच्छा है एक ही जगह लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख दूंगा, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, सभी जगह यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, इसको भी हम प्लस कर देंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, इसको भी हम प्लस कर देंगे 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर यहाँ पर c प्लस a प्लस बी एंड b प्लस सी वैसा का वैसे हैं, a प्लस बी एंड b प्लस सी और फिर c प्लस a भी वैसा का वैसे ही है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी सभी जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर इसको कॉमन ले लेंगे, बहुत आसानी से इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे टेकिंग आउट 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, किससे ले रहे हैं भाई, R1 से हम इसको टेकिंग कर रहे हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है ना, ये 1 बचा, साथ में बचा है c प्लस a और a प्लस बी। इसी तरीके से जो हमारे पास ये यहाँ है तो यहाँ भी 1 बचेगा और नीचे है a प्लस बी और फिर b प्लस सी, यहाँ भी हमारे पास 1 बचेगा, 1 b प्लस सी और c प्लस a, और यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास ओनली इसको 0 बनाना है, है ना, ओनली क्या करना है 0 बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो c2 कॉलम है ना, तो c2 माइनस c3, फिर आपको c3 में भी लगाना है, तो हम कर देते हैं c3 माइनस c1। देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर है 2a प्लस बी प्लस सी और फिर यहाँ पर 1c प्लस a और a प्लस बी, तो वैसा का वैसे ही मैंने लगाया है c2 माइनस c3। इधर आ जाइए, c2 माइनस c3 कहाँ पर लगाया है, c2 में लिखना है ना, तो देखिए c2 की वैल्यू क्या है, ये 1 है और 1 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, फिर इसको जो a प्लस बी है ना उसको माइनस करना है, तो माइनस का b और माइनस का c आएगा, b से b कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा a माइनस सी। इसी तरीके से c2 की जगह पर b प्लस सी है, ओके, अब b प्लस सी तो आपको क्या करना है c3, तो c3 क्या है, यहाँ पर माइनस का c माइनस का a होगा, c से c कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस a। अब हमने जो ऑपरेशन लगाया है तो c3 माइनस c1 लगाया है, अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर b प्लस सी में से इसको माइनस करेंगे, भाई c3 के प्लेस पे मेरे पास c3 वाले कॉलम में b प्लस सी है, तो ये b प्लस सी माइनस का c1, तो माइनस का c माइनस का a, c से c कैंसिल और यहाँ आ जाएगा b माइनस a। इसी तरीके से c3 की जगह पर c प्लस a है और c1 की जगह पर माइनस का है, माइनस का भी हो जाएगा ना, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये a से a कैंसिल,
क्या बचा, सी माइनस ए बचा मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास सॉरी सी माइनस बी बच रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी एक्सपेंडिंग करना है और आर वन के रिस्पेक्ट में बहुत इजीली आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे ऑन एक्सपेंडिंग विथ अलोंग आर वन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास 2a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, इसको कुछ नहीं कहना, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद आपको देखिए 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करना है, एक्सपेंडिंग करना है, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, के लिए प्लस आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ऐसा करेंगे ना, इस 1 के इस रो को छुपा लेंगे, इस कॉलम को, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा, बी माइनस ए बचेगा, उसके बाद ये बी माइनस ए बचेगा और ये सी माइनस बी बचेगा। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे पूरा ज़ीरो, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से कि मेरे पास यहाँ पर जो लिखा है ना 2a प्लस बी प्लस सी, ये डेल्टा इज इक्वल टू में चल रहा था, 2a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, ठीक है ना भाई। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमें ओनली ये 1 है तो मैं 1 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इधर का जी, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे a माइनस सी का मल्टीप्लाई c माइनस बी में, फिर आएगा माइनस b माइनस ए का, b माइनस ए में होगा, b माइनस ए का मल्टीप्लाई b माइनस ए में होगा। लो भाई अब आगे देखिए यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर देखिए a का c में करिए ए सी हो जाएगा, a का b में करिए माइनस का ए बी होगा, फिर c का c में करिए माइनस का c स्क्वायर, इसका करिए माइनस माइनस प्लस का बी सी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये ब्रैकेट लगा दीजिए और b का b में करिए बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद b का माइनस a में होगा तो माइनस का ए बी, फिर a का b में होगा माइनस का ए बी, माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास माइनस ए, उसका हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो भाई ये ए सी माइनस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर हो गया ना कि नहीं हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाएगा, ये प्लस का ए बी हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर। देखिएगा ये ए बी से ये ए बी हो गया कैंसिल, अब जो बच रहा है उसे आप लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहले है ए स्क्वायर, ये लिख दीजिए माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर। अब हम लिखेंगे किसको भाई, अब लिख दीजिए प्लस का ए बी, प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो चल रहा है इसको तो आप छोड़ो, लेकिन यहाँ पर ये जो डेल्टा था इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है ना। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए बी बी सी और ये सी ए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या लगा हुआ है, ज़ीरो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक बार हम इस 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमें यहाँ पर जो शो डेट करना था, इन्होंने कहा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या प्रूफ कीजिए, ज़ीरो लाइए। तो देखिए एक बार इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तो हो गया ज़ीरो, एंड उसके बाद हमारे पास और लगा के हम लिख सकते हैं या माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का ए बी, प्लस का बी सी, प्लस का सी ए इक्वल टू भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओहो साथ में यहाँ पर क्या चल रहा है स्टूडेंट, ये टू चल रहा है ना,
2 तो हमने कॉमन, 2 को हमने कहीं नहीं रखा ना, तो 2 इसके साथ चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर भी आएगा, फिर माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2bc और माइनस का 2ca और इज इक्वल टू में 0। तो भाई ये माइनस उधर चला जाएगा तो 0 है, ठीक है ना, तो कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पर बचेगा 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, फिर 2c स्क्वायर, माइनस का 2ab, माइनस का 2bc और माइनस का 2ca इज इक्वल टू 0। देखो भाई यहाँ पर ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है और बहुत बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर है ना, कितने स्क्वायर हैं, 2a स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर इसके अंदर से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक ए स्क्वायर ले लिया, फिर हम एक यहाँ से ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर से इसको उठाएंगे माइनस का 2ab। देखिए यहाँ पर मेरे पास दो थे, एक ए स्क्वायर यहाँ पर, एक ए स्क्वायर, तो एक तो मैंने यहाँ पर उठा लिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर बी स्क्वायर थे, यहाँ भी दो हैं, ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, तो मैंने एक को तो उठा लिया है, एक बी को उठा लिया, एक इसको उठा लिया है और एक इसको मैंने उठा लिया है। तो अब मैं यहाँ पर किसके लिए बनाऊँगा, बी सी के लिए बनाऊँगा, तो प्लस का बी स्क्वायर उठाऊंगा और प्लस का सी स्क्वायर, यानी कि एक बी स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ले लिया और एक सी स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए काम आएगा, ये आएगा माइनस का 2bc। फिर इसी तरीके से अब मेरे पास क्या है, सी ए है, तो सी ए है तो एक बार सी स्क्वायर मैंने यहाँ से उठा लिया, उसके बाद एक सी स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर यहाँ से उठा लिया और ये माइनस का 2ca इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर ये जो हो रहा है आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस, यहाँ पर ए बी लगा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। अरे भाई बन गया ना ये फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला बन गया है, और ये बन गया हमारे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर पता है कि इस सब का वैल्यू ये सब जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पर आपके पास ये जो a माइनस बी स्क्वायर दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब इसको भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने इनको क्या रख दिया है, 0 के इक्वल रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास अब जो है हमारे पास ये आ जाएगा, देखो एक तो हमने प्रूफ कर ही दिया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a माइनस बी 0 पे रूट चढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी, और आपको पता है कि ये जो स्क्वायर चल रहा है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू सी, इसी तरह से आ जाएगा c इज इक्वल टू a। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हैंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। तो ये आपका हो गया है प्रूफ। भाई वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई तो हमारी क्लास डेली चलेगी 11 बजे लाइव, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।